रमज़ान का पाक महीना है और मुंबई में आइए, अब हम आपको ले चलते हैं उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में रोज़ेदार पाए जाते हैं। आइए दिखाते हैं वहां का नज़ारा और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर वो क्या सोचते हैं। नहीं, लगवाया तो नहीं है जी, पर जरूरत पर तो लगवाएंगे। नहीं, मुझे कुछ डर नहीं लगता, गवर्नमेंट के पास इतना फैसिलिटीज है ही नहीं। अपना कोरोना की दूसरी लहर देश भर में अपना कहर बरपा रही है, पर अब भी देश में कई लोग हैं जो ना मास्क लगाने में यकीन करते हैं और ना ही वैक्सीनेशन में। आप भी सुनिए। और वैक्सीनेशन लगवाया, लगवाएंगे? नहीं, लगवाया तो नहीं है जी, पर जरूरत पर तो लगवाएंगे। लगवाएंगे हाँ जी। अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इधर आया, कोई एनजीओ, कोई आपको अवेयरनेस के लिए? वालिद या वालदा ने या घर में किसी ने लगवाया हो? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं लगवाया। यहाँ 45 के ऊपर की उम्र वाले लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है। कुछ का कहना है कि यहाँ वैक्सीन मिल ही नहीं रहा और कुछ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो लगवा लेंगे। महाराष्ट्र में वैक्सीन आ ही नहीं है तो लगवाएगा कौन? जी, अभी गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स के ऊपर के उन लोग का भी अभी 1 मई से कुछ स्टार्ट होने वाला है, लेकिन 45+ का उन लोग को ही नहीं मिल रहा, तो अभी 18 के ऊपर की बात तो छोड़ो। अभी यहाँ बुजुर्गों से बात करने पर उन्होंने कहा कि वो पुराने आदमी हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक हैं, इसीलिए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। नहीं लगाने का, क्योंकि आपने सही है आप जी, मतलब नहीं लगवाएंगे। नहीं, आपको डर नहीं लगता कोरोना से जो चल रहा है? वैक्सीनेशन की बात चल रहा है ये मालूम है मुझे, पर ना अपने को आज तक कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाया अभी? नहीं लगाया। कोई किसी ने बोला आपको लगाने को लेकर? पुराने आदमी। मास्क भी नहीं लगाया, डर नहीं लगता आपको? अच्छा, वैसे कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं लगता, बाहर ही नहीं निकलते। लोगों की बातों से ये साफ है कि कोरोना या फिर वैक्सीनेशन को लेकर अब भी लोग जागरूक नहीं है। वहीं प्रशासन की नाकामयाबी भी यहाँ साफ दिख रही है। दैनिक भास्कर के लिए मुंबई से राजेश काबा की रिपोर्ट। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।